dam sufalam malaya shitalam sach chamalam atanam vande mataram wo vande mataram wo vande mataram hum se tum se milkar bana desh sara सोचा था करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नए साल में कुछ नए तरीके से बात होनी चाहिए, नए रिजोल्यूशंस पर हमने कहा था बात होनी चाहिए, आपने क्या संकल्प लिया उस पर बात होनी चाहिए, नन्हे मुन्नों की बात होनी चाहिए, उनके भविष्य को कैसे संवारा जाए इस पर बात होनी चाहिए। नदियां, पहाड़, नाले, वो तमाम सारा जो पर्यावरण है उस पर बात होनी चाहिए। रोज तो बात हो रही है, वही कुछ बदलना चाहिए नए साल में। कहां से आना हुआ आपका? सफदरजंग। बच गया, नहीं तो घर का नंबर भी बता देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत सारे लोग जो आज नए आए हैं नए साल में, धीरे 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 कनॉट प्लेस में वो लोगों का आना जाना रहता है। कहां से आना हुआ साहब आपका? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोटा मेरा जाना हुआ था, इलेक्शंस के समय में शो करने गया था मैं वहाँ पे। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत जरूर शुरू करेंगे। कहाँ से आए पहले ये बताइए, आप आए कहाँ से? हाँ जी, मैं तो कहाँ से? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, पहले खड़ा होना सीख लीजिए क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे अंदाजा रहता है, पूरा अंदाजा रहता है। कहाँ से आना हुआ आपका? सिक्किम। सिक्किम से, सिक्किम से बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं, और मैं आजकल पढ़ भी रहा था नॉर्थ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को पढ़ रहा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नन्हे मुन्नों का भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बोल के जाइएगा, थोड़ा बहुत कुछ जो मन में है। कहाँ से आप आई? नरेला से। बहुत बहुत स्वागत है जो मेहमान हमारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही का शो है। हाँ जी, बस देहरादून से मेरा शो देख, झूठ एक नंबर का झूठा, अपने काम से आया होगा। हाँ जी, वैसे उत्तराखंड का व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बस ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आप सबसे पहले तारुफ कराऊंगा, परिचय दूंगा। हालांकि सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, आज बहुत पैनल बड़ा है। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, आज वहीं से शुरुआत होगी, पता चला कि आ रहे हैं। एस एन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा के स्वागत करिए। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के, प्लीज ताली बजाइए, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष है राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी वाली पदवी मैंने बताई नहीं थी, मदरसा बोर्ड के उत्तराखंड से आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो कश्मीर से आ गए, बहुत दिनों के बाद आए हैं, मलिक याकूब साहब मेयर हैं पंपोर कश्मीर से, जो आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और तमाम अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो रुंझुन भैया भी मौजूद हैं। हाँ जी रुंझुन,
कि चुन चुन जो भी है बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तमाम सारे लोग मौजूद, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। किसको यहाँ से बोलना था पहले, कौन बोलना चाह रहा था, आप बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? तो देहरादून उत्तराखंड से है। देहरादून उत्तराखंड से, आज उत्तराखंड वाले बहुत आ गए, क्या बात है। हाँ जी, दिल्ली की सर्दी देखने आए, ये पहाड़ वाले दिल्ली की सर्दी देखने आए हैं, गजब है भाई। हाँ जी, उत्तराखंड से, हाँ जी, हरियाणा से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा का जी। कर्नाटका से, बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से? हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी, अच्छा, इधर कुमाऊं से भी हैं और गढ़वाल से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं आज। कोई बोलना चाह रहे थे आप? जी, मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं आज यहाँ कनॉट पैलेस पे ये कहना आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो जनता के प्रति कार्य कर रही है। 2014 में जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मेरठ क्रांतिकारी धारा पे से लिया था, और 2019 में भी लिया था, अब 2024 में भी मेरठ से ही शुभारम्भ करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरठ क्रांतिकारी शुभ क्रांति धारा है, और वहीं से ही वो अपना संकल्प लेकर 2024 में चुनाव की परचम लहराने का काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफ अंसारी नाम है। आसिफ अंसारी साहब, बीजेपी को दावतनामा दे रहे हैं मुफ्ती साहब। हाँ जी, ये भ्रम टूट रहा है मुसलमानों का कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, भाजपा को वोट नहीं, उसे सरताज देंगे। और मैं आपको बता दूं कि यही काम है उत्तराखंड मदरसे के अंदर, हम मदरसों में उन्हें इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, और उन्हें उनकी गुर्बत को दूर करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, भ्रम टूट रहा है, कोहरा आज दिल्ली में लगता है कि आज आएगा, कोहरा सुबह होगा, लेकिन भ्रम टूट रहा है। जी, कहाँ से आना हुआ? बाबा जी के शहर से, गोरखपुर। अरे तो हड़का कह रहे हो भैया, बाबा जी के शहर से, तो मतलब ऐसा क्या नाम बता दो, इतना बढ़िया गोरखपुर नाम है बाबा जी के। योगी जी तो हमारे बुलडोजर बाबा हैं। तो यही बताने आए थे कि हम शो करें या ना करें? नहीं नहीं, शो करो, वही तो बताने। बोले इस बात की तस्दीक करने आए थे कि शो करते रहिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोरखपुर से आए हैं, और आप साहब कहाँ से आए? पठानकोट से। पठानकोट से, ओए होए, चलो बैठ जाओ ऑटो वाले नवल भैया। पठानकोट से तो बहुत ठंड हो रही होगी इस समय? नहीं बोलिए, ठंड नहीं, ठंड नहीं है ज्यादा, बिल्कुल दिल्ली जैसा ही मौसम है, दिल्ली जैसा ही मौसम है। कुछ कहना चाहते हैं पठानकोट से आप आए हैं? जी, हम मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी 2014 के बाद से ना हमारे बहुत सारे लोगों के धंधे बंद करा दिए सरकार ने। हम लोग जो राशन कार्ड सीधे बन रहे, ऑनलाइन पैसा जा रहा, जो सारे काम है सारे सीधे सीधे हो रहे, अब हम कहाँ जाएं? 70 साल से आप इसी से। कौन सा काम करते थे आप? हम सिलेंडर भी ब्लैक करते थे और राशन कार्ड भी बनवाते थे, राशन दिलवाते भी थे, और लोगों के काम करते थे, पुलिस थाने भी काम कराते थे, ये सब कुछ था, ट्रांसफर करनी, ट्रांसफर रुकवानी, सारे काम करते थे। क्या नाम है साहब आपका? वरुण गोस्वामी। अब भाई वरुण गोस्वामी जी हैं, अब ये शहर ना पूछना बार बार, अब हमारे यहाँ तो कोई झूठ बोलता ही नहीं है। बोले साहब ये काम थे, अब उस काम को तो मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैंने बोले सब काम बंद कर दिए, सब ऑनलाइन हो गया। बोले वो करते थे, ये ब्लैक करते थे, वो सब बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन ऑनलाइन हुआ, डिजिटल पेमेंट हुआ, पूरी दुनिया ने उसको समझा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कौन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू कर रहा हूँ और आप लोग हाथ उठाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। पवन जी, सबसे पहला सवाल ये, ईडी ने तीसरी बार बुलाया, एक बार नवंबर के प्रथम सप्ताह में, फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, और तीसरी अभी बुलाया। केजरीवाल जी, ईडी के बुलाने पर जाते क्यों नहीं है, ये जानना है लोगों को। देखिए, ईडी ने तो छगन भुजबल को भी बुलाया था, लेकिन छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ईडी कहती है फाइल खो गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग पाउडर है ना, जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है इसके खिलाफ, किसने इतने बड़े घोटाले कर लिए, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है सारे घोटाले बंद हो जाते हैं। आज ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की टूलकिट बन गई है। बीजेपी के बारे में इनका आरोप है आम आदमी पार्टी का कि टूलकिट। अरे मुड़ैशा खोलो पहले, इतना ठंडा नहीं है, अरे रुको, ठंडी नहीं अभी। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, इनका वो हाल हो गया है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार, ईडी के पास जाऊं। इनका परिचय ये है कि ये ऑटो वाले भैया हैं,
कहीं से ऑटो चला के आ रहे होंगे, ठंडी तो लगी रही होगी। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठंडा नहीं लग रहा। तो छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वापस आऊं कैसे? देखिए पूरी दुनिया जानती है, मैं आंकड़े की बात करता हूं। आज ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। इसका मतलब ये कहता है कि 200 लोगों पर केस होगा तो मात्र एक आदमी पकड़ में आता जो केस साबित होता है। बाकी 199 लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं इन युवाओं के रोजगार पे, किसानों की आय पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, किसान पे, उनसे सवाल पूछ लेते हैं, उसको जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी करती है। सब फर्जी केस होते हैं। अपने आप को कानून मान चुके हैं, अपने आप को खुद कानून। आप ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप अपने आप को खुद ईमानदार साबित कर देंगे? कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। घोटाला करके कहोगे मैं ईमानदार हूँ? आपने पहले भी तो यही कहा था कि सीबीआई की जांच कराइए सोनिया गांधी जी का, अब उनकी सीबीआई जांच होगी तो आप क्यों नहीं होगी? आप अपनी सीबीआई जांच कराइए ना, ईमानदार है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं आप बात नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 8 दिन बाद अजीत पवार के पैर में गिर के भारतीय जनता पार्टी शामिल करा लिया, और सबसे सोचे डिप्टी सीएम जैसा पद, वित्त मंत्री जैसा पद उसको दे दिया सारे पैसे घोटाला करने के लिए। आज अडानी के ऊपर बात होती है, इनके तमाम सारे ऐसे नेता है जो उन पर आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी ने, शारदा, नारदा, चिटफंड, ऐसे तमाम सारे नेता थे, इन पर कैंपेन चलाया और बीजेपी में शामिल करके सारे केस बंद करा दिए, कहते फाइल खो गई। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के नेता थर थर कांपते हैं ईडी से, थर थर कांपते हैं ईडी से। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जोड़ूंगा, लेकिन कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे आप। सर अगर आप कहते हैं ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, तो पहला नोटिस आपको मिला आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, वहां से निरस्त करा लो, दूसरा मिला क्यों नहीं चले गए, और क्या खाता न वही है जो केजरीवाल कहे वही सही, यही चलेगा क्या? और आप नहीं भाई, वो कहते हैं कि आप मुझे किस हैसियत से वहां बुला रहे हैं, गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या गुनहगार के तौर पे बुला रहे हैं? पहले ये तो क्लियर करिए क्यों बुला रहे हैं। जब जांच चलती है और एक व्यक्ति इसी केस में 1 साल से जेल में बंद है, दूसरा 8 महीने से बंद है, तीसरा उनको बेल नहीं मिल रहा 2 महीने से, जब यही केस में, पहले मुझे ये बताओ, ये कहना चाह रहे हैं अजीत पवार, ये वो एक फिल्म आया था ना, जाओ पहले लिख करके आओ कि मेरा बाप चोर है, वो जाओ दुनिया से लिखवा लो। अरे अजीत पवार का नाम आ जाने से आप कैसे ईमानदार साबित हो जाएंगे? जी जी, तर्क है, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। जी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। देखिए ये कहने की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए, ये एक चेहरे नहीं है, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं। ये देखिए मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, सीबीआई और ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, मैं कहना चाहता हूं ये जो लोग यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए मणिपुर की बच्चियों पर ये बोल सकते हैं क्या? क्या मणि हम लोगों ने देखा निवस्त्र बच्चियां और ये नंगी सरकार? आप बताइए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के टाइम पर ही क्यों होता है? राहुल गांधी जी गए ना, सोनिया गांधी गई ना, पेश हुए ना झारखंड पार्टी से यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन तैयारी वहां ये हो रही है कि कभी भी किसी भी समय मुख्यमंत्री झारखंड के भी इस्तीफा, ये अटकलें लग रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि वहां भी उनके करीबियों को ईडी ने घेरा है और सवाल पूछे हैं। जी प्रतीक जी, कोई भी दुनिया का चोर कहता है क्या कि हम चोरी किए हैं, और कोई ऐसा चोर है क्या कि जिसके लिए वो काला, लेकिन सबूत हो नहीं, वकील नहीं मिलते हैं? मैं कहूंगा भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है, इसका मूल्यांकन कौन करता है? इसका मूल्यांकन जनता की है, जनता भ्रष्टाचारियों को हटा के भारतीय जनता पार्टी को ले आई है। और मैं तो कहूंगा जो पिजड़े का तोता था ना, वो पिजड़े का तोता आराम से स्वच्छंद रूप में घूम रहा है, आज वो पर्यावरण का तोता हो गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको कहा जा रहा है कि आप सबूत लेकर आ जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, राहुल गांधी जी बार बार कहते थे भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं इनके पास। और मैं तो कहूंगा अभी आम आदमी पार्टी के यहीं पे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना झगड़ा करने की क्या बात है भैया?
आप अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सिर्फ आरोप लगने से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपकी बात पे आते हैं, आप पे आरोप लगता है आप इस्तीफा नहीं देते हैं। जी, आप कोर्ट में जाते हैं, जो वकालत हमारे मित्र यहाँ कर रहे हैं, हे मित्र आप कोर्ट में जाइए, अपने गुहार को लगाइए, निश्चित तौर पे कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, आपको मान जाएगी। जी लोहिया साहब, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा चाल चरित्र देखने को मिलता है, अब इससे बड़ा दोगला, इससे बड़ा चरित्र क्या देखेंगे, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुसलमान का कार्य करते हैं, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, जो 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 राम राम की सत्ता को मानते नहीं, जो सिखों की हत्या करा देते हैं, जो देश में दोहरे चरित्र से सारे मापदंड को अपनाते हैं, एक की शिक्षा पे छूट, एक की धर्म पे छूट, ऐसे कार्य करने वाले वो एक सेंटेंस ये की हत्या करा देते हैं, ये की उसका क्लैरिफिकेशन ये कि शासन व्यवस्था जब फेल होती है तब उस पर है वो। जी, जी। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरती राजनीति को जन्म देना चाहती है, उसको दंगा बनाना चाहती है, जिस प्रकार से देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, आज जो लोग संसद में सवाल पूछते हैं तो 357 सवालों का भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं देते, सरकार जवाब नहीं देती, और जो नेता जवाब मांगते हैं उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, यह इनका चाल चरित्र रह गया। बीजेपी के लिए जो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स है ये आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रही है, ये साबित भी हो चुका। क्या बीजेपी के सारे नेता धुले हुए हैं, जहां इनकी सरकार है सारे धुले हुए हैं? गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी ने अभी बोलना शुरू किया, उसको बोलने दीजिए, इधर आ जाइए, मैं पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। यही दिक्कत है, जहां हम कह देते हैं मारीच के रूप में ये आए हुए हैं। अरे मारीच ना कहिए भाई, इसलिए कहते हैं ना, है तो विश्लेषक लेकिन कूदते बीजेपी की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, यही लोग थे जिन्होंने मुकुल रॉय के खिलाफ कैंपेन चलाया था, यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया था, अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, कहा था 1700 करोड़ का घोटाला किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और हेमंत बिस्व शर्मा भी मुख्यमंत्री है, यही लोग जिंदाबाद बोल रहे हैं उनकी। हमारे जो मौसी वाले इकट्ठे हो गए हैं, ये सब मौसी वाले हैं, इनको ये पता था। मैं आज देशवासियों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की लड़ती है, और आज ये उसके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं, कारण है ये सारे मौसी वाले, इन्होंने ही तो बीजेपी को रोकने के लिए अपनी मौसी को तैयार किया। आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ एक राष्ट्रवादी पार्टी को रोकने के लिए आए हुए। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, इनका दुख हमें समझ में आ रहा है, 352 करोड़ रुपए चले गए हैं। कभी कभी उदाहरण देते समय, उद्धरण देते समय मौसी वाला, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी ध्यान रखा करिए जब बोला करिए, तो जो आप बोल रहे हैं वो आपका मनोभाव ठीक है, अच्छा है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं, उदाहरण सही दिशा में जाए उसका ध्यान रखा करिए। जी जी बिल्कुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड नाउ। प्रतीक जी, अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी के हो सकता है प्रवक्ता हो सकता नहीं है, स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ईडी और सीबीआई का हमारे खिलाफ कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है। अब सारे भ्रष्टाचारी मिलकर अभी देखे होंगे कि 300-400 करोड़ रुपया एक साहू जी के यहाँ से पकड़ा जाता है झारखंड से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंसी नहीं है, आपके जिम्मेदार चैनल पर सवाल पूछा गया था अभी मध्य प्रदेश चुनाव में, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था सभी एजेंसियां स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि आपके समय। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी बीजेपी, बीजेपी ईडी। मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये आरोप 400 पेज का लेकर ये कांग्रेस के साथ घूमते थे, अब कांग्रेस के साथ एक हो गए। ये जो स्वार्थ का गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो गांठ वाला बंधन है, उनको ये समझना होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, ये कह रहे थे 30 लोगों पर कार्रवाई होती है और 28 लोगों पर कार्रवाई जब पूर्ण होती है तो दोष सिद्ध होता। आपके यहाँ अगर 400, 250, 300, 150 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल में मिलता है, 150 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में मिलता है, 50 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में मिलता है संजय सिंह के पास, तो ये सारे चीज अगर आप चोरी नहीं करते, तो सीना चोरी। देखिए इनके लिए दो लाइन है, वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, बीजेपी हारने दो
पता चल जाएगा सीबीआईडी के पीछे कौन है। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई सरकार है, जदयू सरकार आई है, इनसे कोई सवाल कर लेता है इनके सवाल सहन नहीं होता। जब देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ अपना हक की आवाज मांग करती है, न्याय की मांग करती है, उनको गालियां दी जाती है। किसान दिल्ली की सदन में 700 किसानों ने अपनी जान गवा दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भैया आप आए थे, एक मिनट में आप सुनिएगा, ये शिक्षा तो दे नहीं पाए, पाठशाला तो खोल नहीं पाए, मधुशाला दिल्ली में खोल दिए, ये आए थे राजनीति बदलने के लिए। अन्ना जी के साथ में कितने आंदोलन से निकले हुए ये नेता है, सारे भ्रष्टाचारी। आराम से सारे लोग बैठ जाएंगे। गुप्ता जी, जी देखिए जिस तरीके से ईडी की रेड होती है और करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, कोई पार्टी ये एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं, पैसे कहाँ से आए। अगर आप ईडी का ट्विटर खोल के देखिए, हर रोज कोई ना कोई अटैचमेंट हो रही है, कोई प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। कन्विक्शन रेट क्या है वो जुडिशरी का मामला है, लेकिन जो पैसे पकड़े गए वो संपत्ति हो जाती है, वो करप्शन का पैसा था। कांग्रेस और समाज और पार्टियां जवाब दें कि ये पैसे कैसे मिल रहे हैं। बालाजी सेंथिल के 75 करोड़ कैसे मिल गए भाई, धीरे साहू 350 करोड़ कैसे मिल गए, ये पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। जी सवाल पर आएंगे, जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, वे एक व्यापारी व्यक्ति है, उसकी जांच होगी और वो भी ईडी के समक्ष पेश होगा। आप जवाब तो इस बात का दें, आप जवाब तो है, रुकिए जवाब तो इस बात का दें, जवाब तो इस बात का दें, 205 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है जी, 200 लाख तर्क दे रहे हैं। क्या है जो लोग अपने समय में गलत कार्य किए उनको बार बार वही दिखाई देता। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, 50 लाख करोड़ रुपए का अलग से लिक्विड फंड है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश इतना आगे बढ़ चुका है कि दुनिया मान रही है कि अगर बढ़ती हुई कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत। नमस्ते, बड़े दिनों बाद आए, नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ जी, आई वॉन्ट टू से समथिंग। ऑफ कोर्स यू से सर, अभी जो बात हो रही है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हो रही है, राष्ट्रहित की बात नहीं हो रही है। राष्ट्रहित के लिए क्या जरूरी है, एक स्टेबल पूरी मेजोरिटी की सरकार जो 2024 में बीजेपी के अतिरिक्त तो कोई दे नहीं सकता। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में 300 सीटों से ज्यादा पे जब लड़ेगी नहीं तो पूर्ण बहुमत की सरकार कहां से आएगी, विकास कहां से होगा, स्टेबिलिटी। आईएनडीए के साथ लड़ेंगे तो वो जो खिचड़ी सरकार है वो पुल एंड प्रेशर के साथ, कानून और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ ज्यादा खिलवाड़ करेगी, ज्यादा मोल भाव करेगी और ईडी सीबीआई का ज्यादा दुरुपयोग होगा। लोग मुझसे तुरंत पूछेंगे तो इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि क्या अभी हो रहा है। yes. मैं बताऊं कि जो आप मानते हैं कि ईडी और सीबीआई ये सारी पार्टियां करती हैं और करना चाहिए। मोदी जी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, सीबीआई ने दिल्ली में बुलाकर घंटों उनको पानी तक नहीं दिया गया और क्वेश्चन आंसर किए देश की कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठे व्यक्तियों से। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी इतनी कम क्यों होती चली जा रही है, जबकि एक मुख्यमंत्री आधा दर्जन बार रिफ्यूज कर लिया तो वो क्या स्टेप उठा रहे सवाल इन्होंने रखा है। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट कहा भाई साहब ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर बाय चांस अगर इंडिया वाले जो हैं इतने आ जाएं, ये तो हालत वो हो जाएगी एक बस में एक ड्राइवर और 24 कंडक्टर, किस किस की सीटी सुनेगा तो किस किस की सीटी सुनेगा ये देश। जी मैं शमूम साहब को एंड देन ये ओवर, फिर आप लोगों की बारी। जी प्रतीक भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयंभू ईमानदार कहने वाले लोग ये राजनीति को बदलने के लिए आए थे, आज आखिर क्या हो गया। हम यही तो कहते थे कि राजनीति से परिवर्तन नहीं होगा और आज वो चीज़ साबित हो गई है कि अन्ना ने और हमने मिलके ये तो कहा था भाई तुम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम और गंदगी में जाके फंस जाओ। जहां से राजनीति की गंदगी खत्म होती है वहां से अरविंद केजरीवाल एंड लेकिन उन्हें पंजाब में भी मिला, यहां से जाने के बाद पंजाब में भी लोगों ने चुना, तो इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं तो विश्वास कर ही रहे हैं। देखिए प्रतीक भाई, पंजाब की स्थिति और यहां की स्थिति दोनों को अगर आप दोनों का विश्लेषण करेंगे तो दोनों जगह फेल हैं। मैं आज आपसे ये कह दूं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने भ्रम पैदा किया, जैसे कांग्रेस ने 60 साल के अंदर भरमाया, मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर
हमने मदरसों में जाके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन बच्चों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, कि इन्हें डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, और आज वो उनमें परिवर्तन आ रहा है। वोट बैंक से निकल करके वो असलियत की तरफ आ रहे। क्यों आ रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री ने निष्पक्ष होकर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यही नहीं पूरे विश्व को यह संदेश दिया G20 के मौके पर कि अगर पूरे विश्व के अंदर आप ये चाहते हो कि इंसाफ आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। जी जनाब अली पवन जी, आम आदमी पार्टी, सारे सवाल आपकी तरफ। देखिए मुझे डिबेट माने से पहले कोई कह रहा था कि जब से इंडिया अलायंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को अपना अंत दिखाई देने लग गया है, तब से CBI ED इतनी एक्टिव हो गई है कि चुनाव आने वाले लोकसभा के, लोकसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले CBI ED रात दिन काम कर रही है, नाइट शिफ्ट लगा रही है। और प्रधानमंत्री केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी की पार्टी ने कहा कि ईडी का समन इसलिए आता है कि प्रचार के लिए हम जाना चाहते हैं तो प्रचार के लिए हम नहीं जा पाते। जी हाँ जी, वो लोकपाल के लिए जो आंदोलन असमय खत्म किया था उसका रिजल्ट तो भुगतना ही था ना उन्हें। आज ईडी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, CBI के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी एजेंसियां निष्पक्ष हैं और बिल्कुल आप ये समझे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। अरविंद केजरीवाल को फिर से आंदोलन करना चाहिए अगर वो इतना खरा है तो। जी देखिए जनता के लिए हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हम तो आंदोलन की आग से निकली पार्टी है। आप तो मोहल्ले में पूछ रहे थे कि जिस तरह से सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, हम तो 10 साल से अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल से एक भी पैसे का घोटाले का सबूत साबित नहीं कर पाई, क्योंकि माता सीता की तरह अरविंद केजरीवाल मॉडल पवित्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पत्थर मारेंगे इनके भ्रष्टाचारी के सर पर जाकर ही गिरेगा। कहाँ से आ रहे हैं गुरुवर? गोरखपुर से। जय हो, हमारे बड़े प्रभु हैं। राजनीति की नीत भली है और नीत सब प्यारी है। राजनीति की नीत भली है और सब नीत प्यारी है। आइए सब आपस में, आम जनता की महामारी है। इस देश को चलाने वाला कोई नेता नहीं चलाता, ना कोई दल चलाता, ना कोई पार्टी चलाता, केजरीवाल चाहे कोई भी नहीं चलाता। कौन चला रहा है? मैं बताता हूँ आपको, IS, IPS, IRS, DI इस देश को चलाने वाला IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिटेक्शन ब्रांच, क्राइम ब्रांच, CBI, CBC, ID, केजरीवाल को बोला बॉर्डर पे खड़ा हो। बाबा क्योंकि मैंने पूछा नहीं, पूरा पता नहीं पूछा, कान में छल्ला है दोनों कानों में, तो नाथ संप्रदाय के हैं, स्वागत है आपका, गुरु गोरखनाथ की नगरी से आए हैं। ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी को जिस कार्य के लिए सौंपा गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे और बाकी लोग जो जो जहाँ जहाँ हैं वो वहाँ वहाँ काम करेंगे। ये सबका जो कार्य है विभाजित है। जी पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस सॉरी पवन जी, देखिए मैं आज बताना चाहता हूँ, आज देश कई चीजों में नंबर वन हो चुका है, बेरोजगारी में नंबर वन, महंगाई में नंबर वन, महिला अपराधों में नंबर वन, आज बच्चियों के साथ कितना दुर्व्यवहार आपने BHU में देखा, राजस्थान में जिस प्रकार से 3 लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, बोलने दो यार, अरे बोलने दो, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का काम किया और 60 दिन लगे उन्हें गिरफ्तार करने में। ये है इनका मॉडल, ये है भारतीय जनता पार्टी। देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी, 6,000 महिलाओं पर दुष्कर्म होता, हम तो कहते हैं बहनें सबकी बहनें होती हैं, लेकिन इनके मंत्री कहते हैं कि नहीं वो मर्दों का प्रदेश है, और कांग्रेस के एक विधायक एक महिला के साथ 2 महीने दुष्कर्म करते रहे, पुलिस उनको इसलिए गिरफ्तार नहीं करती थी कि वो कांग्रेस के विधायक है। आज देश बदल गया है, हम महिला सशक्तिकरण पे कार्य करते हैं, महिला अपराध पर काम करते हैं। हम तो कहेंगे देखिए आम आदमी पार्टी कह रहे थे हम आंदोलन से जन्मे, निश्चित तौर पे आंदोलन से आप जन्मे, लेकिन कब आम आदमी पार्टी से आप भ्रष्टाचारी पार्टी हो गए? 10 लाख का टॉयलेट, 20 लाख का पर्दा, 40 लाख का मकान, पता नहीं क्या क्या करोड़ों का हो गया कि अब दिल्ली की जनता सोच रही कि भ्रष्टाचारी पार्टी को कब मौका मिले और कब विदा करे। राम दुलार गौंड इन्हीं के उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, अभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया बलात्कार के आरोप में साबित हो गया उन पे, और उससे पहले जब उन पे आरोप था इसी पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया। एक तरफ आप राम मंदिर बना रहे हैं, दूसरे तरफ आप चाह रहे हैं कि रामराज की सजा, प्रजापति का वाला के। सच बात है कि BJP आज कटघरे में और इनको कार्यकर्ताओं को जेल में डालना चाहिए, जेल में डाला गया, लेकिन गायत्री प्रजापति
छह महीने तक आपकी सरकार बचाती रही समाजवादी पार्टी की, गायत्री प्रजापति को अपने मंत्री बना के रखा, दोबारा बना दिया, आपको हक नहीं है महिला पे बात करने का। आपको हक नहीं है। भैया कहाँ से आए? थक गए हो? गोरखपुर से? महिपालपुर रहता हूँ। आज ही आए? नहीं, चाय पानी तो पूछा नहीं होगा, हल्ला मचवा रहे हैं। और ये करे मचवा तो आप ही रहे हैं, है ना? चाय पानी पिया? हाँ जी, चाय पानी पी। आज दिल्ली में वास्तव में सच में ठंड है, और ठीक ठाक ठंड है। मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाइए और सीधे घर की तरफ वापस जाइए। नहीं, जरूरी काम कर लीजिए बीच में, जो भी जरूरी काम है आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। वो तमाम चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो मैं भगाऊंगा। वो तब नहीं, आप आराम से खड़े रहिए। वो तब धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, ये वास्तव में भगा दूंगा मैं। तमाम बुजुर्गों को जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको प्रणाम करता हूँ, तमाम नन्हे मुन्नों को, जो बच्चे, तमाम वो लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप यहाँ आते हैं और आपका मुझे परिचय मिलता है, आप कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं, वो भी परिचय मिलता है, आपकी परवरिश कैसी है इसका भी परिचय मुझे मिलता है, मुझे मिलता है, इसका मतलब है पूरा देश देखता है आपको। बहुत स्वागत है। कश्मीर से आए हैं, इनका एक बयान, छोटी सी बाइट, उसके बाद जनता की तरफ हूँ मैं, आप ही की तरफ आऊँगा, आप ही से बात करूँगा। जी जनाब, सोपोर से। देखिए भाई साहब, आपको पता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उसे सबसे पहले पता है क्या बात उसने कही थी? उसने कहा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन आजकल जो आम आदमी पार्टी के लोग जो प्रवक्ता भी जो चला रहे थे, देखो भैया अगर आप सही हैं, अगर आप ईमानदार लोग हैं तो आपको ईडी के सामने पेश होना चाहिए। जब उमर अब्दुल्ला, जब महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो आप क्यों नहीं, केजरीवाल जी क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेरे भाई हैं यहाँ पे राजस्थान में बैठे हैं, इन्होंने आज बहुत बड़ा बड़ा वो गिठारा लाया साथ, उन्होंने दिखा रहे थे कि देखो जी बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है। भैया आप बताएंगे कि जो 350 करोड़ जो अभी पकड़े गए वो किससे पकड़े गए? सुपौर से हैं। जी जी जी, 350 करोड़ कांग्रेस के MP हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कत्लेआम किया हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस वालों ने, 2 लाख लोग कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भरे इन लोगों ने, मिलिटेंसी 32 साल से हम लोग जेल रहे हैं, इसको क्या पता है? आप डिबेट में बैठकर आप बातें चला रहे हैं। हम जानते हैं कश्मीर में कि 32 साल के बाद आज हमारी कोई मिलिटेंसी नहीं है, आज हमारी पत्थरबाजी नहीं है, आज हमारा कोई कैलेंडर नहीं चल रहा हमारे कश्मीर में, आज कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो मोदी जी की मेहरबानी है। बहुत आराम से जनता का, मैंने कहा था जनता की तरफ जाऊंगा, जनता से ही पूछना है, लेकिन दोनों को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। आम आदमी पार्टी की तरफ इन्होंने इशारा किया और कांग्रेस की, तो उन दोनों का रिस्पॉन्स, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। पहले आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं समझना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी CBI ED का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, उसकी वजह है। इनसे सवाल करते हैं, कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। एक खबर पड़ रहा था 2021 के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर 4,07,000 लोगों ने हमारा देश छोड़ के दूसरे संपन्न देशों में चले गए, क्योंकि उनको अच्छा लगा नहीं होगा। दूसरी बात, देश में इन्होंने कर्ज की बात करते हैं, हमारे देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिया, इन सब लोगों को कर्ज में डुबा दिया। उस पैसे का क्या किया? 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिए, कर्ज लेंगे बाहर से, माफ करेंगे मित्रों के। उस पैसे से ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई अस्पताल बनाया, इसी वजह से CBI ED का इस्तेमाल करते हैं। 15 लाख का वादा किया था, कोई जवाब नहीं है। 18 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे, कोई जवाब नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, बीच में अरुण जेटली जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, नितिन गडकरी जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, बाद में कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ने माफी मामा भी यही मांगते हैं, इनके बाद का कौन भरोसा करेगा? ये अपनी बात पर कायम नहीं रहो। ये ऑटो वाले भैया भी कमाल करते हैं। जी, कांग्रेस का पक्ष आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर से याकूब साहब ने कुछ बात कही और जब बिल्कुल, फिर उसके बाद बीजेपी का जवाब। आज भी 70 सालों से हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, वो लोग बोल रहे हैं आज जिनका मर गया जमीर, और जो लोग सत्ता में आए थे कह करके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो हो गए अमीर से अमीर। आज देखिए उनके दफ्तर, आज पार्टी के कार्यालय, आज देखिए उनके पार्टी के कार्यालय। आज मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी के लड़के के
जैसा की संपत्ति का कोई इजाफा कितना हुआ। अरे रुकिए यार, आप आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज जो नौजवान खड़े हैं ना, जब ये 30 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी किस्मत को रोएंगे कि मैंने क्यों बीजेपी को वोट दिया। आज मोहल्ले में, गलियों में, आज मोहल्ले में, गलियों में सरकारी नौकरी वाले लोग नहीं बचे इस देश के अंदर। 70 साल के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी हुआ करता था तो कांग्रेस के शासन में वो। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा रिसर्च डिपार्टमेंट से अपने कि कितनी नौकरियां पहले सृजित हुई और कितने नौकरियों पे लोगों को पदासीन हुए, जरूर मैं जानना चाहूंगा, जरूर। मैं आप छोटा सा जवाब आज एक बार बता दो, इस देश में पहले कितने स्टार्टअप थे, आज कितने स्टार्टअप हैं? पहले कितने यूनिकॉर्न थे? 10, आज 100 से ज्यादा हैं। आज आप रोजगार नौकर बनाते थे, आज लोग अपना कारोबार बना के उद्यमी बन रहा है। और आज कितने कार्यालय? अरे ये बता दो जीप घोटाला, ये बता दो कॉमनवेल्थ घोटाला, अरे नेहरू जी से लेकर के मैं गिनाऊं कितने भ्रष्टाचार आपने किया है। खैर एक जवाब, आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि इतने 100 लोग भारत छोड़ के भाग गए, वो क्या गठरी लेके भागे? अरे लाखों का टिकट कटा करके भागे हैं। ये दिया है मोदी सरकार ने कि आपको उद्यमी बनाया और आप विदेश में जाकर रोजगार जी। अरे अरे सुन लीजिए भैया, प्रतीक जी इतनी लड़ाई किस बात की भाई? पहले ये लोग करते थे भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार का करते हैं व्यापार। पहले इनका दिल काला था, आज मुंह भी काला हो गया। प्रतीक जी आम आदमी पार्टी का एक क्लिप दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सोनिया जी को जेल में होना चाहिए, एक क्लिप अपने चैनल के माध्यम से नहीं दिखा नहीं सकते। आप बोलते, मैं आपकी बात पर विश्वास है, आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। ये देखिए, जो आप बोलेंगे मानूंगा, मैं क्लिप नहीं दिखाऊंगा। अब सुन लीजिए, मैं तो कहूंगा भैया इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जनता ने आपको हटाया, जनता ने इसलिए हटाया कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे व्यभिचारी जो जातिवाद का कार्य करते थे, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इन्होंने पूछा मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने गरीबों के बुनियादी ढांचे में विकास किया, आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य की मानकों को पूरा किया और देश की अर्थव्यवस्था को एक सुंदर अर्थव्यवस्था। आराम से, आराम से, मैं दे दूंगा। पहले समाजवादी पार्टी, देखिए इन्होंने किसको अमीर बनाया, हर जिले में इनका कार्यालय बन गया 5 स्टार, इनका यहाँ कार्यालय बन गया, 7,000 करोड़ चंदा में आके बताएंगे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से? अगर इतने ईमानदार हैं तो बता दें इतना पैसा क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है ये भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहे हैं। और अगर अगर विपक्ष बोलता है तो बंद करने सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे, इस तरह से बहस का कोई मतलब नहीं है। आप अगर कहीं से कोई बात कहने आए हैं, जनता की बात कहने आए हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा और बड़े संस्कार के साथ वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, बीच में आने का कोई नहीं, और आप रस्सी के पीछे जाएंगे तब मैं आ पाऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा, मैंने बोल दिया। सारे लोग डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई आप स्पेशल हैं। जी जरूर, ऑफ कोर्स मैं ले लूंगा आपसे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विपक्ष की आवाज चाहे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से क्यों दबाना चाहते हैं? अगर कोई सुरक्षा संबंधी, मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर से ईडी और सीबीआई कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार है तो आपको जाना चाहिए ना कोर्ट। एक नाम आप बताइए कि जिस पर बीजेपी का नेता हो उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। जी बस ठीक, मैंने लिया, इधर आइए, यहाँ आइए, बोलिए और आराम से बहस करिए। अगर कोई व्यक्ति करप्ट है तो पकड़ा जाना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो। इनको प्रॉब्लम ये है कि करप्ट आदमी इनकी पार्टी से पकड़े जा रहे हैं। अगर वो भाजपा का बंदा पकड़ा जा रहा है तो इनको मुंह में चुप हो जाते हैं। इनकी पार्टी का बंदा हो, तमिलनाडु में कोई विपक्ष का आदमी हो, इनके मुंह से आवाज निकलती। राइट, जनता के बीच में। जी जनाब, मैं आ रहा ऑटो वाले, मैं ऑफकोर्स आप आ जाइए हैं, मैंने आपको देख लिया, यू हैव टू वेट। जी सर, आरोप प्रत्यारोप तो ये पार्टियां करती ही रहेंगी, लेकिन देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश की अशिक्षा के बारे में कब ये बात करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है जी, ये कब होगी इनकी बात, कब इन पे चर्चा होगी? ये जो सरकार में बैठे लोग जो ये कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं हो रहा, देश के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहस का एक तरीका होना चाहिए और बहस वहां पहुंचे जहां लॉजिकल एंड्स होते हैं। आप जरूर, वो बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उनको लगता है कि मेरी बात तो आई नहीं, मेरी बात तो हुई नहीं,
और आपको जब बात कहना होता मुझे दो मिनट में समझ में आता है कहां से आप मोटिवेट होके आते हैं। मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा, मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा, ऑफकोर्स जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, तो कैमरा नीचे कर लीजिए फिर मैं सुन लूंगा। ये एक ही कैमरा रहेगा, या तो आपका रहेगा या मेरा रहेगा। लीजिए करिए जी जी, बोलिए, आपकी भी बात सुनूंगा लेकिन आप वेट करें जी। प्रतीक जी नमस्कार जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एमपी से हूँ और आप पिछले कुछ दिन पहले आई थी ना? कुछ दिन नहीं, मैं कल ही आई थी भैया। हाँ। क्योंकि मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हूँ, रामलीला मैदान पे बराबर बैठ रही हूँ। किस विभाग का? ये सारा इंडिया का मैटर भुगतान को लेकर है, इसलिए मैं यहाँ। अच्छा, सारा इंडिया, तो कल या परसों सवाल आपने पूछा और मैं कहता हूँ कि इन लोगों के जो तमाम सारे लोग जो है जिनका, वही कह रहा हूँ मैं, आपकी बात को ही कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। सहारा इंडिया का जो पैसा या जो भी भुगतान है जो जिन्होंने दिया है उनका जरूर होना चाहिए निपटारा और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। बहुत बहुत इसके तमाम सारे लोगों जी जी जी, मैंने देख लिया जी। इधर कौन हाथ उठा रहा था? हाँ जी बोलिए सर। मेरा कांग्रेस और आम आदमी और सारे पार्टियों जो विपक्षी पार्टियां उनसे क्वेश्चन ये है कि वह कह रहे हैं कि रोजगार पे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, भाई एक मिनट, विकास नहीं हो रहा सारी चीजें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन पहले थे लेकिन रेलवे स्टेशन पे बने शौचालय, क्या हमारी माँ बहने उस रेलवे स्टेशन के शौचालय में शौच करने जा पा रही थी? वो सरकारी कर्मचारी वहां नियुक्त होते थे और तब भी वो रेलवे स्टेशन रेलवे के वो नहीं हो। आज अगर हमारी इज्जत 2 रुपए देकर के हमारी बहन और बेटियों का इज्जत, मैं अंदर आइए, बहुत जोर तमाचा मारते हो यार तुम, बहुत देर तक गाल लाल रहता है, रुको और ऐसा तेज ना मारा करो, चोट लगती है यार, और ठंड में तो और चोट लगती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन मिश्रा है और हम रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं क्योंकि हमें वहाँ के लोगों की क्या नीड्स है, हमने क्या देखा है वो हमें पहले से ही याद है और इसीलिए हमने ऐसे सरकारों को बदला है। हमारे जनभावनाएं अगर नहीं, हमें उनसे, हमें कहता हूँ कि आज कई ऐसे विधायक हैं, एक कैसे कई सांसद हैं जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और बीजेपी सत्ता में आने के बाद उनको कार्य करना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ से बभनान से लेकर के गोंडा जाने में जो हमारा डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, वही सांसद पहले राजा भैया हमारे मनकापुर महाराज हुआ करते थे जो सपा से सांसद होते थे, उसी रोड पे जाने के लिए हमें 4 से 5 घंटे लगते थे। लेकिन ये होता है सही नेतृत्व, ये होता है सही निष्ठा और काम कराने के लिए लोगों को, उनको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारी राजसी ठाट और हमारी ये विधायकी सब खत्म। ये जो होता है लॉजिकल लेंस की तरफ पहुंचना जी, आराम से, तुम्हारी कोई बहस नहीं, कोई बहस ना ना ना। लोहिया साहब ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं हो, तमाम सारे लोग जो राजनीति करते हैं। आप जवाब देंगे? 2 रुपए में अगर इज्जत मिल रही है तो आप दीजिए। देखिए जिस प्रकार से मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, इसी क्षेत्र में मैं बहुत देर से टॉयलेट ढूंढ रहा था, टॉयलेट मुझे नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? ये बगल में है, ये झूठ बोल रहे, कांग्रेस वाले है, ये बगल में टॉयलेट है, वहाँ टॉयलेट है, यहाँ टॉयलेट है, ये 2-2 मिनट के दूरी पर टॉयलेट है। झूठ झूठ झूठ। मेरी एक सवाल है, मेरा एक सवाल है।